अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, आमीन। तो आज मैंने बनाया है चॉकलेट हलवा। तो चॉकलेट हलवा बनाने के लिए सूजी ली है मैंने 1 कप, शुगर ली है 1 कप, कोको पाउडर लिया है 2 टीस्पून और घी लिया है मैंने 1/2 कप। तो घी को मैंने गर्म कर लिया है और इसके अंदर मैं इलायची डाल दूँगी और इलायची को तो कड़कड़ा लेंगे। और इसी के साथ मैं डाल दूंगी सूजी। और सूजी को अच्छा सा फ्राई करेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे और अच्छा सा कलर भी आ जाए। तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे सूजी को फ्राई करना है। तो यहाँ पे सूजी को भूनते हुए 1 से 2 मिनट गुजर चुके हैं, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर सूजी नहीं भुनी। तो यहाँ पे सूजी में घी छोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर सूजी को भूनना है हमें। तो घी निकलना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी 1-2 मिनट इसे और फ्राई करेंगे। तो सूजी ने अच्छा सा घी छोड़ दिया है, भुन चुकी है और इसके अंदर मैं डाल दूंगी कोको पाउडर। कोको पाउडर डाल के सूजी को भुनेंगे नहीं, बल्कि सिर्फ इसको मिक्स ही करेंगे। तो अच्छा सा मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। तो कोको पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी पानी। पानी लिया है मैंने 2 कप। पानी को थोड़ा एहतियात से डाल लें यहाँ पे, क्योंकि सूजी जो गर्म होती है तो पानी उछलना शुरू हो जाता है और हाथ जल जाने का खतरा होता है। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी शुगर। शुगर ली है मैंने 1 कप। और इसको पकाना शुरू कर देंगे ताकि शुगर डिसॉल्व हो जाए। हलाते जाएंगे ताकि स्मूदी सा हलवा बनकर तैयार हो जाए और लम्स भी बाकी ना रहें।
तो यहाँ पे हमारा जो हलवा है गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर गाढ़ा नहीं हुआ, तो इसको मज़ीद पकाएंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो काफ़ी थिकनेस की तरफ आ चुका है। तो हलवा हमारा गाढ़ा हो चुका है, लेकिन अभी इसको मज़ीद पकाएंगे। जब पैन छोड़ हलवा छोड़ना शुरू कर देगा तो इसका मतलब होता है ये डन है, लेकिन अभी पैन के साथ चिपक रहा है ये। कढ़ाई साफ होना शुरू हो चुकी है। तो कढ़ाई बिल्कुल साफ़ होना शुरू हो चुकी है, तो ये डन है। तो ऊपर से मैं डाल दूंगी कटे हुए बादाम। तो हलवा हमारा तैयार है, चूल्हे को मैं बंद कर दूंगी और इसे करूंगी डिश आउट। तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़े का चॉकलेट हलवा। ऊपर से मैंने स्प्रिंकल डाल दिए कलर वाले। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूंगी। अल्लाह हाफिज़।